बढ़ावा मिलता गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सड़क से गुजर रही एक बुजुर्ग पानी से भरे टैंकर की चपेट में आ गई। ये महिला उस वक्त सड़क के किनारे खड़े टैंकर के बहुत करीब से गुजर रही जो अचानक पीछे का एक पहिया निकलने के बाद पलट गया। इससे पहले बुजुर्ग महिला लाठी के सहारे सड़क किनारे चलती दिखी। इसी दौरान पानी से भरा टैंकर लेकर ड्राइवर भी आगे बढ़ा, लेकिन अचानक टैंकर के पीछे का एक पहिया निकल गया। पहिया निकलते ही टैंकर महिला के पास सड़क पर पलट गया। पहिए को निकलते देख महिला ने फुर्ती दिखाई और कुछ इंच दूर हटकर उसने अपनी जान बचा ली। टैंकर पलटने के बाद सड़क पर तेजी से पानी फैल गया और ड्राइवर भी नीचे उतरकर बुजुर्ग को खोजने लगा। तब तक वो महिला वहां से आगे बढ़ चुकी थी। सौभाग्य की बात है कि हादसे के वक्त महिला टैंकर के काफी करीब थी। तुरंत दूर हटने से उसकी जान बच गई, वरना टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हो सकता था। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। सीएम बनने के बाद आठवीं बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद राम मंदिर का मुद्दा फिर गर्मा गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक को बेमतलब करार देते हुए उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में 5 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया और वर्ल्ड कप में भारत के पहले मैच के दौरान सेना के सम्मान से जुड़ा धोनी का बलिदान बैच पहनना आईसीसी को नागवार गुजरा, जिस पर देश में हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या पहुंचने के बाद राम मंदिर का मुद्दा फिर गर्मा गया। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का ये 8वां अयोध्या दौरा है, जहां उन्होंने भगवान राम की लकड़ी से बनी प्रतिमा का अनावरण किया। अयोध्या शोध संस्थान के म्यूजियम में मौजूद इस प्रतिमा को कोदंड राम कहा जाता है, क्योंकि इस प्रतिमा में भगवान राम कोदंड नाम का अपना धनुष धारण किए हुए हैं। कोदंड राम की प्रतिमा बेंगलुरु के कावेरी कर्नाटक स्टेट आर्ट्स एंड क्राफ्ट एम्पोरियम से 35 लाख में खरीदी गई है। ये लकड़ी की बनी प्रतिमा है जो 7 फीट की एक सिंगल लकड़ी है, टी कूड है, और इसको बनाने में 3 साल कलाकार को लगा है। हालांकि भगवान राम की इस मूर्ति का मंदिर निर्माण से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अयोध्या के साधु संतों ने इसे भी राम मंदिर निर्माण का हिस्सा बता दिया और दावा किया कि कोदंड राम की प्रतिमा का अनावरण राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी का संकेत है। तो कोदंड प्रभु श्री राम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो इससे एक प्रकार से राम मंदिर की हम लोग इसको हरी झंडी समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद की पैरवी करने वाले इकबाल अंसारी ने भी अयोध्या में कोदंड राम की प्रतिमा को अच्छा बताया। पूरी दुनिया भगवान राम को मानती है, जब तक लोग राम को मानते रहेंगे उनका दिलो दिमाग भी ठीक रहेगा। लेकिन अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे और राम की मूर्ति के अनावरण पर राजनीति भी तेज हो गई। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने योगी के दौरे को सामान्य बताया, लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने और उस पर उन्हें कामयाबी मिल गई। अब दोबारा तो राष्ट्रवाद चलेगा नहीं, तो अब इनको राम मंदिर का मुद्दा फिर याद आया। जबकि बीजेपी ने साफ किया कि योगी के अयोध्या दौरे का राजनीति से कोई वास्ता नहीं। योगी जी तो अयोध्या जाते रहते हैं, अयोध्या को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। जेडीयू ने भी योगी के अयोध्या दौरे पर ऐतराज को गलत बताया। उनके मठ का पुराना रिश्ता अयोध्या के साथ रहा है, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, उसका अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से पुराना नाता ही उनके अयोध्या जाने को खास बना देता है। इसलिए साधु संतों को योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही राम मंदिर आंदोलन में गोरखनाथ मंदिर का कनेक्शन याद आ गया। मुख्यमंत्री जी के गुरु जी सब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, मुक्ति राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष वही बने थे। अयोध्या के साधु संतों ने उम्मीद भी जतानी शुरू कर दी कि योगी आदित्यनाथ अपने गुरुओं के राम मंदिर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सीएम रहने से पहले भी उनकी प्राथमिकता रही, उनके गुरु जी की रही, उनके गुरु जी के गुरु जी की रही। माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन भी गोरखनाथ मंदिर के साथ विरासत में मिला, जिसकी शुरुआत गोरखनाथ मंदिर के पूर्व पीठाधीश्वर और योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ की अगुवाई में हुई, जिन्होंने 14 दिसंबर 1949 को अयोध्या में विवादित परिसर के सामने 9 दिन का अखंड रामचरितमानस पाठ शुरू कराया और 23 दिसंबर की सुबह हिंदू महासभा के सदस्य और अयोध्या के साधु अभिराम दास ने विवादित ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति प्रकट होने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अभिराम दास और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया,
लेकिन विवादित ढांचे के अंदर से भगवान राम की मूर्ति सरकार नहीं हटवा सकी, क्योंकि फैजाबाद के तब के डीएम के नायर ने ऐसा करने पर दंगा फसाद होने की आशंका जताई थी। इसी के बाद अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुकदमे की शुरुआत हो गई। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के पीछे महंत दिग्विजयनाथ की बड़ी भूमिका मानी जाती है। और उनके बाद जब विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा, तो इसकी कमान महंत अवैद्यनाथ को सौंपी गई, जो महंत दिग्विजयनाथ के शिष्य और गोरखनाथ मंदिर के तब के महंत थे, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का पहला अध्यक्ष बनाया था। महंत अवैद्यनाथ की अगुवाई में राम मंदिर के लिए पहला आंदोलन सितंबर 1984 में शुरू हुआ और साधु संतों के साथ महंत अवैद्यनाथ ने बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली तक राम जानकी रथ यात्रा निकाली। आरएसएस नेता एचवी शेषाद्री ने अपनी किताब कृति रूप संघ दर्शन में लिखा कि सीता माता के जन्म स्थान सीतामढ़ी से निकली राम जानकी रथ यात्रा जब 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या पहुंची, तो सरयू के किनारे देश के धर्माचार्यों ने लोगों को शपथ दिलाई कि रुकेंगे तभी जब पवित्र स्थल को